Anu Prajapati and welcome back to my YouTube channel AP Education Hub. So today in this video we'll discuss about a short story named The Purloined Letter, which is written by Edgar Allan Poe. So guys, आज इस वीडियो में हम The Purloined Letter जो शॉर्ट स्टोरी है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके राइटर हैं एडगर एलन पो. सो हम देख लेते हैं कि हम इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सो विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. हम जो ऑथर हैं एडगर एलन पो, उनका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे. देन विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस शॉर्ट स्टोरी द परलॉइंड लेटर. इसका भी हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे जैसा हम ऑलवेज करते हैं. देन विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, कि इस शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं वो डिस्कस करेंगे. देन कम्प्लीट समरी हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीट अनालिसिस एंड आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट दी थीम. सो गाइज, आज इस वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. सो गाइज, हियर इज द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर. और इसके ऑथर कौन है? एडगर एलन पो. एडगर एलन पो इज एन अमेरिकन ऑथर, एडिटर, पोएट एंड लिटरेरी क्रिटिक. सो गाइज, एडगर एलन पो जो है वो एक अमेरिकन ऑथर है, एडिटर है, पोएट है और लिटरेरी क्रिटिक है. एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट. और जो एडगर एलन पो है उन्हें अमेरिकन रोमांटिक मूवमेंट जो था उसका एक पार्ट माना जाता है. एंड ही वॉज बोर्न इन बोस्टन ऑन जनवरी 1809 एंड ही वॉज द सेकेंड सन ऑफ इंग्लिश एक्ट्रेस एलिजाबेथ आर्नोल्ड हॉपकिंस पो एंड एक्टर डेविड पो. सो गाइज, जो एडगर एलन पो है उनका जन्म 19 जनवरी 1809 को बोस्टन में हुआ और वो एक्ट्रेस एलिजाबेथ और एक्टर डेविड पो के सेकेंड बेटे थे. एंड गाइज, बिफोर पो वॉज ऑफ 3 ईयर्स बोथ ऑफ हिज पेरेंट्स डाइड. सो गाइज, पो जब 3 साल के भी नहीं हुए थे उससे पहले ही जो एलिजाबेथ एक्ट्रेस थी और डेविड पो थे, इन दोनों की डेथ हो जाती है. सो गाइज, इट्स मीन बिफोर पो वॉज ऑफ 3 ईयर्स उसके दोनों ही पेरेंट्स की डेथ हो जाती हैं. एंड ही वॉज रेज्ड इन द होम जॉन एलन, अ प्रोस्पेरस एक्सपोर्टर फ्रॉम रिचमंड वर्जीनिया. एंड गाइज, जो पो है उसे कौन पालता है? ही वॉज रेज्ड इन द होम ऑफ जॉन एलन, अ प्रोस्पेरस एक्सपोर्टर फ्रॉम रिचमंड वर्जीनिया. जो ये जॉन एलन होता है ये उसको पालता है, ही इज हिज अंकल. एंड एडगर एलन पो स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया बट ही वॉज फोर्स टू लिव आफ्टर लेस देन अ ईयर बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम जॉन एलन. सो गाइज, देखो, जो एडगर एलन पो है उन्होंने अपना बैचलर डिग्री भी कंप्लीट कर ली, मास्टर्स भी कर ली व्हेन ही वॉज इन द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया फॉर हिज फर्दर स्टडीज. उसके बाद जो जॉन एलन थे उन्होंने फाइनेंशियली पो को सपोर्ट करना बंद कर दिया. इट्स मीन जो जॉन एलन थे वो अब पो के लिए उतना पे नहीं कर रहे थे जितना वो इनिशियली कर रहे थे. सो इसी कारण जो एडगर एलन पो थे उन्हें बीच में ही अपनी पढ़ाई जो वो इस टाइम पर कर रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में वो छोड़नी पड़ी बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस. एंड इन 1827 पो लेफ्ट बोस्टन, एनलिस्टेड इन द आर्मी एंड ऑल्सो पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन टेमरलेन एंड अदर पोएम्स. सो गाइज, 1827 में जो एडगर एलन पो है वो बोस्टन के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर वो आर्मी में शामिल होते हैं. और इसी टाइम पर उन्होंने अपनी फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन भी पब्लिश किया जिसका नाम था टेमरलेन एंड अदर पोएम्स. ही मैरिड टू हिज कजन वर्जीनिया इन 1836 एंड शी डाइड इन 1847 फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस. सो गाइज, देखो, जो एडगर एलन पो है वो बोस्टन चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो शादी करते हैं अपनी कज़िन वर्जीनिया से 1836 में. बट जो वर्जीनिया होती है 1847 में उसकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी. देन ही इन्वॉल्व्ड इन नंबर ऑफ रोमांटिक अफेयर्स. सो गाइज, देखो, उसके बाद जो एडगर एलन पो थे वो काफ़ी सारे रोमांटिक अफेयर्स में इंडल्ज होते हैं, काफ़ी सारे अफेयर्स होते हैं उनके. एंड इन सेप्टेम्बर 1849 ही वॉज अराइव्ड इन बाल्टीमोर. सो देखो, सेप्टेम्बर 1849 में वो बाल्टीमोर जाते हैं एंड डाइड 4 डेज लेटर. और उसके 4 दिन बाद ही जो एडगर एलन पो है उनकी डेथ हो जाती है. एंड गाइज, वी आर नॉट अवेयर व्हाट हैड हैपन्ड ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ हिज लाइफ. हमें नहीं पता एग्जैक्टली उनकी लाइफ के जो ये लास्ट के डेज थे उसमें उनके साथ क्या हुआ. एंड टूडे पो इज रिकोगनाइज एज वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ मॉडर्न लिटरेचर. येस गाइज, जो एडगर एलन पो है आज उन्हें मॉडर्न लिटरेचर का एक फोरमोस्ट प्रोटैगनिस्ट और फोरमोस्ट ऑथर पोएट के रूप में देखा जाता है. इज वन ऑफ द फोरमोस्ट प्रोटैगनिस्ट ऑफ द मॉडर्न लिटरेचर. सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू द ऑथर एडगर एलन पो. नाउ विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू दिस शॉर्ट स्टोरी द परलॉइंड लेटर. सो गाइज, हियर इज द इंट्रोडक्शन टू दिस शॉर्ट स्टोरी. सो दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी एंड 3rd ऑफ हिज डिटेक्टिव स्टोरीज फीचरिंग द फिक्शनल सी ऑगस्टे ड्यूपिन. सो गाइज, द परलॉइंड लेटर जो है एडगर एलन पो की 3rd डिटेक्टिव स्टोरी है जिसमें कि वो सी ऑगस्टे ड्यूपिन को एज अ डिटेक्टिव
प्लेस करते हैं, मतलब इस स्टोरी में थर्ड टाइम, दिस इज द थर्ड ऑफ इज स्टोरी जिसमें कि वो फिक्शनल सी ऑगस्टे ड्यूपिन को दोबारा से प्लेस करते हैं। इसमें सी ऑगस्टे ड्यूपिन जो एक करेक्टर होते हैं जो कि उनकी पिछली दो और डिटेक्टिव स्टोरीज में एज अ करेक्टर थे, और यहाँ पर भी वो एज अ करेक्टर होते हैं जो कि डिटेक्टिव होते हैं। एंड फर्स्ट अपियर्ड इन द लिटररी एनुअल द गिफ्ट इन 1845, सून रिप्रिंटेड इन न्यूमरस जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर। सो गाइस देखो, सबसे पहले द पर्लॉइन लेटर जो ये शॉर्ट स्टोरी है कहाँ पर पब्लिश हुई, एक लिटररी एनुअल है द गिफ्ट, उसमें 1845 में पब्लिश हुई, और उसके बाद इस शॉर्ट स्टोरी को बहुत सारे जर्नल्स और न्यूज़पेपर में भी रिप्रिंट किया गया। एंड द प्लॉट ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी इज वेरी सिंपल। पेरिस पुलिस प्रेफेक्ट अप्रोचेस डिटेक्टिव सी ऑगस्टे ड्यूपिन विद अ पजल। सो गाइज देखो, जो प्लॉट है वो बहुत सिंपल है। जो पेरिस पुलिस के प्रीफेक्ट होते हैं मॉन्सियर जी, वो जाते हैं डिटेक्टिव सी ऑगस्टे ड्यूपिन के पास एक क्वेश्चन लेकर। वो क्वेश्चन क्या होता है वो आगे हम देखेंगे किस तरीके से, जब स्टोरी डेवलप होगी तब देखेंगे। अगर यहीं पर बता दूंगी तो सारा सस्पेंस खराब हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक डिटेक्टिव स्टोरी है। सो स्टोरी इज रिगार्डेड एज एन अर्ली प्रोटोटाइप ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन। यस गाइज, ये एक डिटेक्टिव फिक्शन है। सो गाइज, ड्यूपिन इज नॉट अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव। इन द मर्डर्स इन द रियू अमॉर्ज, ड्यूपिन टेक्स द केस फॉर अम्यूजमेंट विदाउट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। यहाँ पर गाइज विदाउट आना था, विदाउट फाइनेंशियल रिवॉर्ड, बट हियर इन द पर्लॉइन लेटर ही अंडरटेक्स द केस फॉर फाइनेंशियल गेन। देखो गाइज, जो ड्यूपिन है वो इसकी पिछली दो स्टोरीज में भी, मतलब जो इसकी पिछली दो डिटेक्टिव स्टोरीज है एडगर एलन पो की, उसमें भी एज अ कैरेक्टर एज अ डिटेक्टिव था, और यहाँ पर थर्ड टाइम ड्यूपिन एज अ डिटेक्टिव आता है इसकी इस स्टोरी में। सो यहाँ पर जो ड्यूपिन है इज नॉट अ प्रोफेशनल डिटेक्टिव, जबकि जो इसकी प्रीवियस स्टोरी थी द मर्डर्स इन द रियू मॉर्ज, वहाँ पर जो ड्यूपिन था वो केस को लेता है फॉर द अम्यूजमेंट विदाउट फाइनेंशियल रिवॉर्ड। वो फाइनेंशियल रिवॉर्ड नहीं मांगता है उस वाली स्टोरी में, वो सिर्फ अम्यूजमेंट, उसे मजा आता है इस तरीके की मिस्ट्रीज को रिजॉल्व करने में। वहां पर वो कोई भी फाइनेंशियल गेन के लिए काम नहीं करता है, बट यहाँ पर पर्लॉइन लेटर में जो ड्यूपिन है वो फाइनेंशियल गेन की बात करता है। दिस वॉज अडेप्टेड इन एन एपिसोड ऑफ 1950s टेलीविजन सीरीज सस्पेंस। सो गाइज देखो, इसको 1950s में टेलीविजन सीरीज सस्पेंस के नाम से बनाए गए एपिसोड इसके, एंड इन 1995 इट वॉज अडेप्टेड फॉर एन एपिसोड ऑफ चिल्ड्रंस टेलीविजन प्रोग्राम विशबोन। एपिसोड वॉज कॉल्ड द पर्लॉइन लेटर। सो गाइज 1995 में इसको बच्चों के लिए एक टेलीविजन प्रोग्राम के रूप में बनाया गया, अडेप्ट किया गया, और जो एपिसोड है उनका क्या नाम रखा गया, द पर्लॉइन लेटर, जबकि इसका ओरिजिनल नेम है पर्लॉइन लेटर, बट वहां पर एपिसोड का नाम दिया गया द पर्लॉइन लेटर इन 1995। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू दिस शॉर्ट स्टोरी। नाउ विल डिस्कस अबाउट लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। सो गाइज हियर आर लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स। लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स को ध्यान से समझना, बिकॉज अगर कैरेक्टर्स अच्छे से समझ आ गई तो आपको स्टोरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अगर कैरेक्टर्स में कन्फ्यूजन रहेगी तो स्टोरी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज नरेटर। ऑब्वियसली नरेटर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नरेटर रिमेन्स अननेम्ड। नरेटर का कोई नेम नहीं है, उसे नरेटर ही कहा गया है। ही रिमेन्स अननेम्ड, नरेट्स इन फर्स्ट पर्सन, गुड फ्रेंड ऑफ जी एंड ड्यूपिन। सो गाइज देखो, जो नरेटर है ही रिमेन्स अननेम्ड थ्रू आउट द स्टोरी, और वो जो स्टोरी है उसको फर्स्ट पर्सन नरेशन में नरेट करता है, एंड ही इज गुड फ्रेंड ऑफ पार्सियन पुलिस प्रीफेक्ट मॉन्सियर जी एंड सी ऑगस्टे ड्यूपिन हु इज द डिटेक्टिव। जो पार्सियन पुलिस प्रीफेक्ट होता है जी मॉन्सियर, उसका और ड्यूपिन का ही अच्छा दोस्त होता है नरेटर। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज सी ऑगस्टे ड्यूपिन, एमेच्योर डिटेक्टिव, ग्रेट इंटेलेक्ट एंड इनोवेटिव स्टाइल ऑफ सॉल्विंग द क्राइम हेल्प द पुलिस बिफोर ऑल्सो। सो गाइज देखो, जो सी ऑगस्टे ड्यूपिन है वो एक बहुत ही बढ़िया डिटेक्टिव है, उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मिस्ट्रीज रिजॉल्व करने का, ग्रेट इंटेलेक्ट एंड इनोवेटिव स्टाइल ऑफ सॉल्विंग द क्राइम। जो उसका क्राइम सॉल्व करने का तरीका है दैट इज वेरी इनोवेटिव, वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। और वो जो प्रीफेक्ट है, जो पुलिस है, उसकी पहले भी हेल्प कर चुका है, इसीलिए जो मॉन्सियर जी है वो सी ऑगस्टे ड्यूपिन के पास आता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मॉन्सियर जी, प्रीफेक्ट ऑफ पार्सियन पुलिस। पार्सियन पुलिस में ये एक प्रीफेक्ट होता है, मतलब एक सिपाही होता है। गिवन द टास्क ऑफ रिकवरिंग द पर्लॉइंड लेटर ही कंडक्ट्स अ वेरी थॉरो रिसर्च बट फेल। सो गाइज देखो, मॉन्सियर जी एक प्रीफेक्ट है पार्सियन पुलिस का, और उसको जो ये पर्लॉइंड लेटर होता है, देखो सबसे पहले तो जो स्टोरी है इसका टाइटल समझो, पर्लॉइंड लेटर। पर्लॉइंड का मतलब क्या होता है कि मतलब कोई चीज चोरी हो जाना, है ना, तो एक लेटर है जो कि चोरी हो गया, पर्लॉइंड हो गया है। सो उस पर्लॉइंड लेटर को रिकवर करने का काम किसे दिया जाता है, मॉन्सियर जी को। मॉन्सियर जी जो कि प्रीफेक्ट है पार्सियन पुलिस का, उसे टास्क दिया जाता है कि तुम इस पर्लॉइंड लेटर को रिकवर करो, ढूंढो।
और वो इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, बहुत थोरो रिसर्च करता है, बट ही अनेबल्स टू फाइंड इट, उसे वो नहीं मिलता है। उसकी रिसर्चिंग में कुछ कमियां होती है जो कि सी ऑगस्टे ड्यूपिन डिटेक्ट करता है और वो ढूंढ लेता है उस लेटर को, वो हम आगे देखेंगे। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिनिस्टर डी। मिनिस्टर डी क्रिमिनल मास्टरमाइंड ऑफ द स्टोरी, क्लेवरली परलाइंड द लेटर इन फ्रंट ऑफ इट्स ऑनर, गुड नॉलेज ऑफ पुलिस वर्क एंड सक्सेसफुल इन एल्यूडिंग दैम। सो गाइस देखो, जो मिनिस्टर डी है वही इस लेटर को परलाइन करता है। सो हमें पता है कि लेटर चुराया किसने है, और जब वो ये लेटर चुराता है, जिसका लेटर होता है, मतलब लेटर जिससे बिलोंग करता है, उसके सामने ही उस लेटर को चुराता है। इट्स मीन आपका कोई लेटर है और आपके सामने ही कोई उसे परलॉइन कर रहा है, इट्स मीन आपके सामने ही उसे चुरा रहा है। सो मिनिस्टर डी उस लेटर को उसके ओरिजिनल ऑनर के सामने ही परलॉइन करता है, एंड ही इज द क्रिमिनल मास्टरमाइंड ऑफ द स्टोरी। उसे पता है कि पुलिस किस तरीके से काम करती है, उसे पुलिस के काम करने की जानकारी अच्छे से है, इसीलिए वो उस लेटर को ऐसी जगह छुपाता है जहां पर पुलिस उसे ढूंढ ही ना पाए, और वो पुलिस को इल्यूड करने में सक्सेसफुल भी हो जाता है। देन नेक्स्ट करेक्टर अननेम्ड लेडी फ्रॉम द रॉयल फैमिली, राइटफुल ऑनर ऑफ द लेटर। सो गाइज, जो ये रॉयल फैमिली की लेडी होती है, उसका नाम यहाँ पर रिवील नहीं किया जाता है, अननेम्ड होती है, वही उस लेटर की ऑनर होती है, उसी का वो लेटर होता है जो कि चोरी हो जाता है। देन अननेम्ड पर्सन फ्रॉम रॉयल फैमिली, एक और पर्सन है रॉयल फैमिली का, द पर्सन फ्रॉम हुम लेडी वॉन्ट्स टू कंसील द लेटर। ये वो पर्सन है जो कि रूम के अंदर आ जाता है और उससे ये अननेम्ड लेडी उस लेटर को छुपाना चाहती है, इसीलिए वो उस लेटर को रख देती है उसके आने से पहले कि वो उसे ना देख पाए। और इतने में मिनिस्टर डीमा आ जाता है और उस लेटर को चुरा कर ले जाता है। वो लेडी उस टाइम पर कुछ भी इसीलिए नहीं बोल पाती क्योंकि वहां पर वो मैन भी होता है जिससे वो लेडी उस लेटर को छुपाए रखना चाहती थी। सो समझ आ रहा है किस तरीके से लेटर परलॉइंड हुआ। देन नेक्स्ट करेक्टर इज पर्सन नेम्ड एस, वो पर्सन जो ये लेटर सेंड करता है। सो गाइज, दीज आर दी कैरेक्टर्स, सिर्फ इतने से ही कैरेक्टर्स हैं। सो गाइज, नाउ विल डिस्कस अबाउट दिस समरी। सो देखो, ये स्टोरी स्टार्ट किस तरीके से होती है। स्टोरी बिगिंस इन अ स्मॉल रूम इन पेरिस, वेयर एन अननेम्ड नरेटर ऑल्सो नरेट्स द मर्डर इन द रू मॉर्ज, सिट्स क्वाइटली विद हिज फ्रेंड सी ऑगस्टे ड्यूपिन इन हिज लिटिल लाइब्रेरी जस्ट आफ्टर द डार्क। सो गाइज, देखो ये स्टोरी स्टार्ट किस तरीके से होती है। स्टोरी स्टार्ट होती है पेरिस में, एक छोटे से कमरे में जो नरेटर है वो बैठा होता है अपने फ्रेंड सी ऑगस्टे ड्यूपिन के साथ, और ये दोनों मतलब लाइब्रेरी है उसके पास में ही एक रूम में बैठे होते हैं। डार्क मतलब इवनिंग का समय है, मतलब पूरी नाइट भी नहीं हुई है, इट इज द इवनिंग टाइम जब ये दोनों फ्रेंड्स आपस में उस रूम में बैठे हैं। पहले तो ये सोचते हैं कि हम क्या बात करें, आराम से बैठे होते हैं चुपचाप, एंड देन दे डिस्कस ये क्या बातें करते हैं, रेफरेंस टू अर्लियर स्टोरी ड्यूपिन प्रोटैगनिस्ट एंड सॉल्व द मिस्ट्री। ये बात करते हैं पिछली जो इनकी स्टोरी थी द मर्डर इन द रू मॉर्ज, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहले आराम से बैठे होते हैं, इनको समझ नहीं आता बात क्या करें, देन ये पिछली स्टोरी का रेफरेंस लेते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पे जो ड्यूपिन होता है वो प्रोटैगनिस्ट होता है और वो उस स्टोरी को रिजॉल्व करता है। जो डिटेक्टिव होता है वो ड्यूपिन ही होता है और वो मतलब जो भी मिस्ट्री होती है उसको रिजॉल्व करता है, उसके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जब ये दोनों बात कर रहे होते हैं, देन मॉन्सियर जी एंटर्स, प्रीफेक्ट ऑफ पार्सियन पुलिस। इन दोनों की बातों के कॉन्वर्जेशन के बीच में कौन आता है यहाँ पर, प्रीफेक्ट मॉन्सियर जी, वो आता है, एंड बोथ ऑफ देम वेलकम हिम, ये दोनों ही उसका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। देन मॉन्सियर जी से ही हैज कम टू कंसल्ट ड्यूपिन। मॉन्सियर जी क्या कहता है, वो ड्यूपिन से कुछ बात करना चाहता है, कुछ कंसल्ट करना चाहता है, एंड देन नरेटर आस्क अबाउट द केस। सो उसके बाद नरेटर पूछता है क्या हुआ, क्या केस है, एंड देन मॉन्सियर जी सेज ही इज कंसर्न्ड। मॉन्सियर जी कहता है कि मतलब एक केस है उसके बारे में, उसे डर है कि वो नरेटर के सामने डिस्कस करे या ना करे, बिकॉज ये केस थोड़ा प्राइवेट है जिसके बारे में किसी और को नहीं बताया जा सकता, बिकॉज अगर उसने बता दिया तो उसकी जॉब भी जा सकती है। एंड देन जो नरेटर होता है और जो ड्यूपिन होते हैं वो उसको भरोसा दिलाते हैं कि वो आखिर किसे ही बताएंगे, एंड देन ही प्रेजेंट्स द केस। उसके बाद जो ये मॉन्सियर जी होता है, प्रीफेक्ट ऑफ पार्सियन पुलिस, ये एक्सप्लेन करता है उनके सामने पूरा केस, और केस क्या होता है कि अ सर्टेन डॉक्यूमेंट हैज बीन परलॉइंड फ्रॉम द रॉयल अपार्टमेंट्स, कि एक डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट क्या है, लेटर, एक लेटर है जो कि परलॉइंड हो गया है, चोरी हो गया है फ्रॉम द रॉयल अपार्टमेंट्स, एंड द आइडेंटिटी ऑफ द मैन हु परलॉइंड द लेटर इज नॉन, और जिसने ये लेटर चुराया वो भी पता है कि किसने परलॉइंड किया है। लेटर स्टिल एग्जिस्ट इन हिज पोजिशन, हमें पता है कि लेटर किसने चुराया और लेटर अभी भी उसी व्यक्ति की पोजिशन में है, अभी भी लेटर उसी के पास है। ऐसा कौन कहता है उन्हें, मॉन्सियर जी, प्रीफेक्ट बताता है कि मतलब एक लेटर है जो कि चोरी हो गया रॉयल अपार्टमेंट से।
और वो लेटर ऐसा है जो कि थोड़ा सीक्रेट लेटर है, किसी को उसके बारे में नहीं बताना है। और जिसने वो लेटर चोरी किया वो भी पता है कौन है, और अब भी लेटर उसी के पास है। तो ड्यूपिन यहाँ पर एक क्वेश्चन करता है, ड्यूपिन आस्क्स हाउ ही नोज इट इज स्टिल इन द पोजिशन ऑफ दैट पर्सन जिसने वो पर्लॉइन किया है। एंड देन प्रीफेक्ट एक्सप्लेन्ड इफ इट डिस्क्लोज्ड देन, सबको पता ही लग जाता है। तो प्रीफेक्ट कहता है कि अगर वो व्यक्ति के पास नहीं होता, किसी और के हाथ लग जाता, तो ऑब्वियसली वो अब तक डिस्क्लोज हो जाता। साथ ही साथ जो वो पर्सन है जिसने लेटर पर्लॉइंट किया है वो उस रॉयल लेडी को मतलब ब्लैकमेल भी कर रहा है कि हाँ मुझे प्रमोशन दिलाओ पॉलिटिकली, मतलब वो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। एंड देन प्रीफेक्ट सेज द मैन हु पर्लॉइंट द लेटर इज मिनिस्टर डी, द वे ही पर्लॉइंट द लेटर वॉज मोर बोल्ड। तो गाइज देखो, उसके बाद जो ड्यूपिन है वो पूछता है कि अच्छा बताओ किसने लेटर पर्लॉइन किया है, कौन ब्लैकमेल कर रहा है उस रॉयल लेडी को। एंड देन प्रीफेक्ट एक्सप्लेन करता है कि जिसने वो लेटर चोरी किया है वो कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर डी है, और ड्यूपिन मिनिस्टर डी को जानता है। सो मिनिस्टर डी ने जिस तरीके से वो लेटर पर्लॉइन किया वो और भी बोल्ड है। यहाँ पर प्रीफेक्ट बताता है कि जो मिनिस्टर डी है वो जाता है और लेटर किस तरीके से चोरी करता है। वो कहता है कि जब वो रॉयल लेडी उस लेटर को पढ़ रही होती है तो उस रूम के अंदर कोई और रॉयल मैन आता है, मतलब जिससे वो लेडी उस लेटर को छुपाए रखना चाहती थी। सो उस मैन के आने पर जो लेडी होती है उस लेटर को अपने टेबल पर इस तरीके से रख देती है कि उसकी नज़र ना पड़े। तो उतने में ही उस रूम में आ जाता है मिनिस्टर डी, और मिनिस्टर डी उस रॉयल लेडी के एक्सप्रेशन से, हाव भाव से समझ जाता है कि इस लेटर में कुछ तो गड़बड़ है। वो उसके पास जाता है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करता है, और वो सिमिलरली एक लेटर लिखता है और अपने लेटर को रिप्लेस कर देता है टेबल पर लिखे हुए जो लेटर था, जो टेबल पर लेटर रखा था उस लेटर से रिप्लेस कर देता है, और उस लेटर को वहां से उठाकर परलॉइन कर लेता है। सो वो लेडी उस टाइम पर तो कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि उस टाइम पर रूम में वो मैन भी होता है जिससे लेडी उस लेटर की एग्जिस्टेंस को छुपाए रखना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू कंसील द लेटर। सो इसीलिए उस टाइम पर तो वो कुछ बोलती नहीं, और जो मिनिस्टर डी होता है वो लेटर लेकर वहां से चला जाता है और अपना लेटर वहां पर छोड़ देता है। एंड गाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी कि वो लेडी थी, बट पुलिस प्रीफेक्ट डज नॉट रिवील द जेंडर ऑफ द पर्सन फ्रॉम होम द लेटर वॉज स्टोलन। जो पुलिस प्रीफेक्ट होता है वो ये रिवील नहीं करता है कि लेटर किसका चोरी हुआ है, मतलब जिसका लेटर चोरी हुआ है उसका जेंडर रिवील नहीं करता है कि वो मैन है या वुमन है। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करते करते बता दिया है कि वो वुमन है, बट जो प्रीफेक्ट होता है वो ये रिवील नहीं करता है कि वो लेडी है। बट जब वो मेंशन करता है बॉयडियर मीन्स अ लेडीज प्राइवेट रूम और बेडरूम, जब वो मेंशन करता है ना बॉयडियर, सो इसका मतलब होता है लेडीज प्राइवेट रूम और बेडरूम। इससे जो ड्यूपिन और नरेटर होते हैं वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर लेडी की बात हो रही है। इनिशियली प्रीफेक्ट यहाँ पर मेंशन नहीं करता है कि वो लेडी थी, वो सिर्फ ये कहता है कि एक लेटर चोरी हो गया रॉयल अपार्टमेंट से, और जब वो बॉयडियर वर्ड का मेंशन करता है तब इन्हें पता लगता है कि वो लेटर एक लेडी का था, अदरवाइज इन्हें पता नहीं होता है पहले। सो वेन द लेडी वॉज रीडिंग द लेटर, देखो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया, वेन द लेडी वॉज रीडिंग द लेटर अनदर पर्सन एंटर्स फ्रॉम होम शी स्पेशली वॉन्ट्स टू कंसील द एक्सिस्टेंस ऑफ द लेटर। कि जब वो लेटर पढ़ रही होती है एक और मैन आ जाता है रूम में जिससे कि वो लेटर की एग्जिस्टेंस को छुपाए रखना चाहती है। सो शी वॉन्टेड टू कंसील इट, शी पुट इट डाउन ऑन अ टेबल नेक्स्ट टू हर, वो उसको थोड़ा छुपा कर रख देती है। और उसी टाइम पर मिनिस्टर डी एंटर्ड एंड ही अंडरस्टूड द सीक्रेसी ऑफ द लेटर, वो उस लेटर की सीक्रेसी को समझ जाता है कि इस लेटर में कुछ तो ऐसा है जो रॉयल लेडी जो है छुपा कर रखना चाहती है सबसे। सो ही प्रोड्यूसेस हिज ऑन लेटर देन री एंटर्स द रूम पर्पसली रिट्राइव द लेडीज लेटर इन प्लेस ऑफ हिज ऑन। सो जो मिनिस्टर डी होता है ही इज वेरी क्लेवर। हमने कैरेक्टर स्केच जो मतलब लिस्ट ऑफ कैरेक्टर डिस्कस की उसमें इसकी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ना, ही इज वेरी क्लेवर मास्टरमाइंड, वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर है मिनिस्टर डी। और वो एक अपना लेटर प्रोड्यूस करता है, लिखता है और दोबारा रूम में आता है और पर्पसली लेडी के लेटर से अपना लेटर रिप्लेस कर देता है। सो उस टाइम पर तो लेडी कुछ बोल नहीं पाती है। सो प्रीफेक्ट एक्सप्लेन्स दैट मिनिस्टर डी पोजेसेस अ ग्रेट डील ऑफ पावर ओवर द लेडी फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। और जो मिनिस्टर डी है वो उस लेडी के ऊपर मतलब अब ब्लैकमेल कर रहा है, प्रेशराइज कर रहा है फॉर हिज ऑन पॉलिटिकल बेनिफिट्स, कि हाँ मतलब मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट मिले। सो ड्यूपिन आस्क द प्रीफेक्ट वेदर द पुलिस हैव सर्च मिनिस्टर्स रेजिडेंस। सो उसके बाद जो ड्यूपिन होता है वो पूछता है प्रीफेक्ट से कि क्या तुमने मतलब जो मिनिस्टर डी है उसका अच्छे से रेजिडेंस, होटल जो उसका घर है वो अच्छे से चेक किया। एंड देन मॉन्सियर जी सेज दैट ही हैड कंडक्ट अ थॉरो रिसर्च ऑफ हिज होटल ऑफ द मिनिस्टर। सो उसके बाद जो मॉन्सियर जी होता है वो बताता है कि उन्होंने थॉरो रिसर्च किया, मतलब ये नहीं कि
ऊपर ऊपर से ढूंढा है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सर्च कर लिया, मिनिस्टर डी का जो रेजिडेंस है, होटल है, उसको अच्छे से रिसर्च कर लिया है, बट कहीं पर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला है। और जो मॉन्सियर जी होता है वो बताता है कि उन्होंने किस तरीके से रिसर्च किया, कि मतलब कब किया और कैसे किया। वो कहता है कि नाइट टाइम पे जो मिनिस्टर डी है उसका होटल एकदम खाली होता है, कोई भी नहीं होता है, और जो प्रीफेक्ट है उसके पास उसके होटल की मतलब उसके रेजिडेंस की चाबी है, और वहाँ पर वो जाकर उसको नाइट टाइम में अच्छे से सर्च करता है। उसने पूरे फर्नीचर के जो नीचे के पार्ट्स होते हैं उन्हें खोल खोल कर और अंदर तक पूरा चेक किया है, लाइब्रेरी में चेक किया है, और तो और उसने माइक्रोस्कोप का भी यूज़ कर करके ढूंढा है, बट उसे कहीं पर भी लेटर का एविडेंस नहीं मिला। सो गाइस, प्रीफेक्ट मेंशंस दैट ही इज रेडी टू सर्च हार्ड बिकॉज ऑफ रिवॉर्ड, बट इट वॉज नॉट देयर। नरेटर अग्रीज बट ड्यूपिन आस्क हिम टू सर्च अगेन। सो गाइस देखो, प्रीफेक्ट कहता है कि वो हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, मतलब वो बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है उस लेटर को ढूंढने के लिए, क्योंकि उस लेटर पर जो रिवॉर्ड है ना वो बहुत हाई है, बट उसे लेटर कहीं मिल ही नहीं रहा है। उस रेजिडेंस पे तो बिल्कुल भी नहीं मिला। और नरेटर भी अग्री करता है कि हाँ, तुमने अगर इतने अच्छे से ढूंढा है फर्नीचर को, चेयर टेबल एक एक चीज को इस तरीके से ढूंढा है, लाइब्रेरी में ढूंढ लिया है, कहीं मिला नहीं है, इट्स मीन वहां पर नहीं होगा। सो ड्यूपिन कहता है कि नहीं, तुम एक बार और रिसर्च करो। तो जो ये प्रीफेक्ट होते हैं ना, बताते हैं कि हमने पूरा घर ढूंढ लिया है, और तो और मिनिस्टर डी की बॉडी को भी चेक कर लिया है, उसके पास नहीं है वो लेटर, वहां पर नहीं है। बट जो ड्यूपिन होता है वो उसे फोर्स करता है कि नहीं, तुम एक बार और ढूंढो। सो जो मॉन्सियर जी होता है, आफ्टर 1 month ही विजिट्स टू ड्यूपिन एंड नरेटर। सो मॉन्सियर जी मान जाता है ड्यूपिन की बात, और 1 महीने वो रिसर्च करता है, और उसके बाद वो दोबारा आता है नरेटर के यहीं पर। वहां पर उसे दोबारा से ड्यूपिन और नरेटर एक ही साथ बैठे हुए मिलते हैं, और वो उन्हें बताता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो आफ्टर फ्यू मिनट्स नरेटर आस्क्स हिम अबाउट द पर्लॉइन लेटर। जी रिप्लाइज ही टुक ड्यूपिन्स एडवाइस एंड सर्च्ड वंस अगेन। सो गाइस देखो, जब ये मॉन्सियर जी आता है तो ड्यूपिन और नरेटर उसे साथ मिल जाते हैं। सो जो नरेटर होते हैं वो कुछ मिनटों के मतलब आराम से बैठते हैं, उसके बाद नरेटर पूछता है, हाँ भाई तुम्हें जो पर्लॉइन लेटर है वो मिला या नहीं मिला? एंड उसके बाद मॉन्सियर जी बोलते हैं, मुझे तो पता था कि लेटर वहाँ है ही नहीं, बट ड्यूपिन ने मुझे एडवाइस किया कि एक बार और ढूंढ लो, तो मैंने ढूंढा, बट कोई फायदा नहीं हुआ बिकॉज मुझे पता था वहाँ नहीं मिलने वाला, और वहाँ नहीं मिला। एंड एट दिस पॉइंट ड्यूपिन इंटरजेक्ट्स एंड आस्क अबाउट द रिवॉर्ड। प्रीफेक्ट डज नॉट रिवील द अमाउंट ऑफ द चेक एंड सेज ही वुड नॉट माइंड गिविंग हिज पर्सनल चेक फॉर 50,000 francs टू द पर्सन हु वुड गेट हिम द लेटर। सो गाइज देखो, जब ये मॉन्सियर जी कहता है कि लेटर वहां नहीं मिला, तो इस टाइम पर ड्यूपिन पूछता है कि ठीक है, तुम मुझे रिवॉर्ड बताओ, रिवॉर्ड क्या है उस लेटर पर। सो प्रीफेक्ट एग्जैक्ट जो अमाउंट होता है ना वो तो रिवील नहीं करता है, बट वो कहता है कि अगर जो भी मुझे ये लेटर ढूंढ कर देगा, आई विल नॉट माइंड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसे खुद एक पर्सनल चेक साइन कर कर दूंगा 50,000 francs का, जो भी मुझे वो लेटर ढूंढ कर देगा उसे। सो ड्यूपिन आस्क्स हिम टू टेक काउंसिल एंड टेल्स हिम अ स्टोरी ऑफ अबरनथे। जी बिवाइल्डर्ड बाय द स्टोरी सेज दैट ही इज परफेक्टली विलिंग टू पे फॉर इट। सो गाइज देखो, जब ये मॉन्सियर जी बोलता है कि वो एक 50,000 francs का चेक साइन कर कर देगा, जो भी उसे लेटर ढूंढ कर देगा, सो ड्यूपिन उसे एक स्टोरी नरेट करके बताता है अबरनथे की, जो कि मतलब ऐसी ही कुछ डील करता है और उसके बाद अपनी बात से मुकर जाता है। सो जी जो है उसे इस स्टोरी पर गुस्सा आता है, वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने वर्ड से पीछे नहीं हटूंगा, मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। सो उसके बाद ड्यूपिन ओपन्स हिज डोर, प्रोड्यूसेस चेक बुक एंड आस्क प्रीफेक्ट टू राइट हिम अ चेक ऑफ 50,000 francs। व्हेन ही फिनिश्ड साइनिंग द चेक ही वुड गिव हिम अ लेटर ही सो डिजायर्स। सो गाइज उसके बाद जो ड्यूपिन है अपनी ड्रॉर खोलता है और उसको चेक बुक निकाल कर देता है, और कहता है कि मतलब मुझे एक चेक लिख कर दो 50,000 francs का। सो जैसे ही मॉन्सियर जी 50,000 francs का चेक उसे साइन कर कर देता है, जो ड्यूपिन होता है उसे वो लेटर दे देता है जो कि उसे चाहिए होता है। सो प्रीफेक्ट एकदम से शॉक हो जाता है कि इसे ये लेटर मिला कहाँ से, बट जो प्रीफेक्ट होता है वो कुछ भी नहीं बोलता है, बिकॉज उसे तो वो लेटर चाहिए था जो उसे मिल जाता है। सो प्रीफेक्ट रिटर्न्स एंड देन ड्यूपिन एक्सप्लेन्स टू द नरेटर हाउ ही ऑब्टेन्ड द लेटर। सो गाइज देखो, जो ये स्टोरी है ना, ये 2 parts में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट होता है जब जहाँ से स्टार्ट होती है, मॉन्सियर जी प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस आता है और उसको कंसल्ट करता है, फिर वो ढूंढता है लेटर। सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से, जहाँ पर जो ये ड्यूपिन है ये नरेटर को नरेट करता है कि किस तरीके से इसने ये लेटर ढूंढा। यहाँ से सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है। सो ड्यूपिन एक्सप्लेन्स दैट पार्सियन पुलिस इज एबल टू कंडक्ट अ सर्च लाइक दिस ओनली। एक्सप्लेन दैट द लेटर वॉज नॉट हिडन विद इन द स्कोप ऑफ द सर्च कंडक्टेड बाय द पुलिस। सो गाइज ड्यूपिन बताता है कि जिस तरीके से पार्सियन पुलिस काम करती है, उस तरीके से उसे कभी वो लेटर मिलने वाला था ही नहीं, बिकॉज पुलिस अपने तरीके से सर्च करती है, और वो बताता है कि लेटर वहां पर था ही नहीं जहां पर पुलिस ने ढूंढा।
पुलिस की मतलब जो रिसर्च है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी थी. सो ही एक्सप्लेन्स दी ऑड इवन, इफ गेसर इज राइट गेट्स वन टॉयज अदरवाइज लॉस. सो उसके बाद जो ड्यूपिन होता है वो नरेटर को बताता है ऑड इवन के बारे में, जैसे हम चाइल्डहुड में खेलते हैं मार्बल्स के साथ कि हाँ मेरे हाथ में जो मार्बल्स है वो ऑड इन नंबर है या इवन इन नंबर्स है. सो जो गेस करने में परफेक्ट होता है ना वही उन्हें अच्छे से गेस कर पाता है. और ड्यूपिन बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था गेस करने में, और जब भी कोई गेस सही करता है तो उसे वन टॉय मिलता है, अदरवाइज वो हार जाता है. सो ड्यूपिन कहता है ही वॉज परफेक्ट इन ऑड इवन गेसर, जो ये गेम होती है इसमें, और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है बिकॉज व्हेन यू आर सर्चिंग समथिंग तो तुम्हारे अंदर ये डिटेक्टिव वाली जो थिंकिंग है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ड्यूपिन क्या कहता है कि प्रीफेक्ट कंडक्टेड हिज रिसर्च ऑन द आइडिया दैट मिनिस्टर इज फूल एज ही इज अ पोएट एंड थिंक्स ऑल फूल्स आर पोएट. और गाइस क्या कहता है यहाँ पर ड्यूपिन कि जो मॉन्सियर जी है मतलब जो प्रीफेक्ट है उसने अपनी रिसर्च को इस आइडिया से किया कि मिनिस्टर जी जो है वो मतलब मूर्ख है, फूल है, पागल है, एक तरीके से मतलब माइंड ही नहीं है उसके अंदर, ही इज फूल बिकॉज पोएट जो है वो फूल होते हैं. और जो मॉन्सियर जी मतलब जो प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस है वो सोचता है ऑल फूल्स आर पोएट, मतलब जितने भी मूर्ख लोग होते हैं वो पोएट ही होते हैं. सो इस थ्योरी पर वो सर्च करता है कि मिनिस्टर डी में दिमाग नहीं है, उसने लेटर कहीं ऐसी जगह नहीं छुपाया होगा कि मैं ना ढूंढ पाऊँ, इस थ्योरी से उसने सर्च किया. बट मिनिस्टर डी इज नॉट फूल एट ऑल, मिनिस्टर डी इज इंटेलिजेंट इनफ नॉट टू हाइड द लेटर इन द अपार्टमेंट एग्जैक्टली वेयर द पुलिस फर्स्ट इन्वेस्टिगेट. यस, मिनिस्टर डी को पता है पुलिस किस तरीके से सर्च करती है. सो मिनिस्टर डी ने लेटर को उस जगह पर रखा ही नहीं जहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, उसने ऐसी जगह रखा जहां पर पुलिस का ध्यान भी ना जाए. एंड ड्यूपिन सेज दैट, ड्यूपिन बताता है कि उसने किस तरीके से सर्च किया. ड्यूपिन सेज दैट ही विजिट्स टू मिनिस्टर डी अपार्टमेंट आफ्टर अरेंजिंग अ पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स. सो उसके बाद जो ये ड्यूपिन होता है ये बताता है कि मैंने किस तरीके से लेटर ढूंढा. बताता है कि मैं एक दिन मिनिस्टर डी के घर पर गया, मैं ग्रीन कलर के स्पेक्टिकल्स लगाकर गया बिकॉज मुझे उसको ढूंढना था. और अगर मैं उसके घर में जाकर ऐसे ऐसे अपनी आंखें चलाता, इधर उधर देखता, तो मिनिस्टर डी को मुझ पर शक होता. सो इसीलिए वो ग्रीन स्पेक्टिकल्स पहनकर जाता है कि अगर वो इधर उधर देखे मतलब चश्मे लगे में देखेंगे तो उसे पता नहीं लगेगा. सो अंडर दी स्पेक्टिकल्स ही सर्वेड द अपार्टमेंट थॉरली वाइल प्रटेंडिंग टू बी इन कॉन्वर्जेशन. सो जब मिनिस्टर डी के घर पर ये ड्यूपिन चश्मा लगाकर जाता है तो मिनिस्टर डी बोलता भी है कि तुमने चश्मा क्यों लगाया है. एंड देन ड्यूपिन बोलता है कि उसे आईज में कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसीलिए उसने लगाया है. मतलब जब ड्यूपिन बात करता है मिनिस्टर डी से वो उसके पूरे अपार्टमेंट को सर्वे कर लेता है आंखों से ही, मतलब वो ढूंढ लेता है, देख लेता है चश्मे में से ही कि हाँ कहाँ पर क्या है. एक तरफ तो वो बात कर रहा है बट उसकी जो आंखें हैं वो लेटर ढूंढने पर है. सो ही नोटिस्ड 5-6 विजिटिंग कार्ड ऑन अ रैक. उसकी निगाह जाती है एक रैक पर जहां पर 5-6 विजिटिंग कार्ड रखे हैं, अमंगस्ट विच ही फाइंड्स अ लेटर. उन्हीं के बीच में उसे क्या दिख जाता है, एक लेटर. इट हैज डिफरेंट एक्सटीरियर देन डिस्क्राइब्ड बाय द प्रीफेक्ट बट ड्यूपिन ऑब्जर्व दैट द लेटर हैव बीन फोल्डेड बैक ऑन इट सेल्फ, श्योरली इट इज द स्टॉलन डॉक्यूमेंट. सो गाइज देखो उसके बाद जो ये ड्यूपिन है ये देखता है कि जो 5-6 विजिटिंग कार्ड है उनमें एक लेटर है, लेकिन जो ये लेटर है इसका एक्सटीरियर बिल्कुल ही अलग है. जैसा प्रीफेक्ट ने एक्सप्लेन किया था कि हाँ लेटर ऐसा है, उसकी अपियरेंस ऐसी है, उस अपियरेंस से ये लेटर बिल्कुल ही डिफरेंट है. बट फिर ड्यूपिन ऑब्जर्व करता है कि जो ये लेटर है इसको खुद फोल्ड किया है, इट्स मीन मिनिस्टर डी ने इसका एक्सटीरियर खुद चेंज किया है. और उसे पक्का कंफर्म हो जाता है कि हाँ यही वो पर्लॉइन डॉक्यूमेंट है, यही वो स्टॉलन डॉक्यूमेंट है. सो अब ड्यूपिन को पता तो लग गया है वो लेटर है, बट ड्यूपिन उस लेटर को ले कैसे, बिकॉज अगर लेगा तो मिनिस्टर डी को पता लग जाएगा. सो इन ऑर्डर टू कम अगेन ही लीव्स अ स्नफ बॉक्स एंड कम्स अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग रिज्यूम कॉन्वर्जेशन ऑफ प्रीवियस डे. सो गाइज देखो ड्यूपिन सोचता है कि अब उस लेटर को लिया कैसे जाए, बट अगर वो इस लेटर को अभी लेगा तो वो तो पॉसिबल है नहीं. सो ड्यूपिन एक प्लान बनाता है, वो अपना स्नफ बॉक्स मतलब टबैको बॉक्स होता है अपने स्नफ बॉक्स को छोड़ जाता है मिनिस्टर डी के यहीं पर, मिनिस्टर डी के रेजिडेंस पर ही अपने स्नफ बॉक्स को छोड़ जाता है, एक बहाना मिल जाता है उसे अगले दिन आने के लिए. सो नेक्स्ट मॉर्निंग जो ड्यूपिन होता है वो दोबारा मिनिस्टर डी के घर पर जाता है और कहता है मेरा स्नफ बॉक्स यहाँ पर रह गया था. तो मिनिस्टर डी कहता है यहाँ पर तो नहीं है. सो यही बोलते बोलते वो अपनी जो पिछले दिन की कॉन्वर्जेशन थी मतलब एक दिन पहले की जो कॉन्वर्जेशन थी उसी को रिज्यूम करते हैं. एंड वाइल दे आर टॉकिंग अ लाउड नॉइज ऑफ पिस्टल हर्ड आउटसाइड. और जब ये दोनों बात कर ही रहे थे एक बहुत जोर से आवाज आती है पिस्टल की. तो मिनिस्टर डी जो है वो विंडो पर जाकर देखते हैं कि आखिर हो क्या गया है. इतने में ही जो ड्यूपिन होता है वो रिप्लेस कर देता है लेटर को. सो देखो ड्यूपिन ने यहाँ पर मिनिस्टर डी वाली ही चाल चली है. जिस तरीके से मिनिस्टर डी ने अपना खुद का लेटर लिखकर
रॉयल लेडी के लेटर से रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली ड्यूपिन ने एक लेटर लिखा और ओरिजिनल लेटर के साथ रिप्लेस कर दिया। इतने मिनिस्टर डी विंडो पर जाकर देखता आखिर हुआ क्या है। ड्यूपिन उस लेटर को रिप्लेस कर देता है और जो ओरिजिनल लेटर होता है उसे वहां से उठा लेता है। सो उसके बाद जो ड्यूपिन होता है वो कहता है देखो ये रहा स्नफ बॉक्स, उसे स्नफ बॉक्स दिखाता है और वहां से आ जाता है। एंड देन नरेटर फाइंड्स इट अननेसेसरी टू रिप्लेस द लेटर। नरेटर कहता है तुम्हें लेटर रिप्लेस करने की क्या जरूरत है, तुम सीधा वहां से लेटर उठा लाते। ड्यूपिन एक्सप्लेन्स दैट मिनिस्टर डी इज अ डेस्परेट मैन, वो बहुत डेस्परेट हैं एंड इफ ही हैड नॉट रिप्लेस द ओरिजिनल विद द कॉपी ही वुड नॉट हैव कम अलाइव आउट ऑफ द होटल। सो मिनिस्टर डी बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर है। और ड्यूपिन कहता है कि अगर वो ओरिजिनल लेटर को एक फेक लेटर से मतलब अपने लिखे हुए लेटर के साथ रिप्लेस नहीं करता तो मिनिस्टर डी को पता लग जाता, और मिनिस्टर डी इतना ज्यादा क्लेवर है कि वो उसे बाहर ही नहीं आने देता अपने होटल से, अपने सर्वेंट्स को बोलकर ही उसे मरवा देता। सो इसीलिए ये जरूरी था कि रिप्लेस करना लेटर। एंड गाइस फॉर द 18 ईयर्स द लेटर वॉज इन द पोजिशन ऑफ मिनिस्टर डी बट नाउ ही इज अनअवेयर ऑफ दैट एंड ही विल एक्ट द सेम कमिटिंग टू हिज डाउनफॉल एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन। सो गाइज देखो जो ये लेटर है ना 18 महीनों तक मतलब 1.5 ईयर्स तक मिनिस्टर डी की पोजिशन में रहा और वो लेडी के साथ बहुत ही मतलब रूडली बिहेव करता और अपनी पार दिखाता कि हाँ मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट्स चाहिए। और अब उस मिनिस्टर डी को पता ही नहीं है कि वो लेटर तो अब मेरे पास है ही नहीं। सो वो उसी तरीके से रिएक्ट करेगा जैसा वो पहले कर रहा था बिकॉज उसे लग रहा है कि लेटर तो उसी के पास है। सो इस तरीके का बिहेव करेगा अगर वो सो ही इज कमिटिंग टू हिज ऑन डाउनफॉल एंड पॉलिटिकल डिस्ट्रक्शन। अगर वो ऐसा बिहेव करेगा तो उसका खुद का ही डाउनफॉल होगा और अपनी ही डिस्ट्रक्शन वो करेगा। एंड ड्यूपिन रिमार्क्स दैट मिनिस्टर डी वंस रॉन्गड हिम एट वियना एंड ही प्लेज्ड नॉट टू फॉरगेट द इंसल्ट एंड टेक द रिवेंज। सो गाइज जो ड्यूपिन होता है वो बताता है कि मिनिस्टर डी ने एक बार मेरे साथ बहुत गलत किया था और उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मैं इस इंसल्ट का रिवेंज बदला जरूर लूंगा। एंड इनसाइड द लेटर ड्यूपिन डिस्क्राइब्स अ फ्रेंच पोएम ट्रांसलेट्स इनटू इंग्लिश इन द वे ही टेक्स रिवेंज। सो ड्यूपिन जो लेटर लिखकर उसके घर में छोड़कर आता है उस लेटर में वो क्या लिखता है, एक फ्रेंच पोएम लिखता है जिसको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है और इन द वे ही टेक्स रिवेंज। सो इस तरीके से जो ड्यूपिन होता है मिनिस्टर डी से बदला लेता है। तो इस तरीके से जो पर्लॉइंड लेटर होता है वो रिकवर होता है विद द हेल्प ऑफ डिटेक्टिव सी ऑगस्टे ड्यूपिन। सो गाइज दिस वॉज द समरी, आई होप आपको समरी अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी ऑब्वियसली। नाउ विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस। सो गाइज हियर इज द एनालिसिस ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। ऑफ ऑल पोएम्स ऑफ हिज रेशियोसिनेशन द पर्लॉइंड लेटर इज कंसीडर्ड एज फाइनेस्ट एज देर आर नो गॉथिक एलिमेंट्स नो डेड बॉडी। सो गाइज देखो जितनी भी एडगर एलन पो की रेशियोसिनेशन वाली पोएम्स हैं या जो स्टोरीज हैं उनमें जो पर्लॉइंड लेटर है इट इज कंसीडर्ड एज फाइनेस्ट। रेशियोसिनेशन मतलब प्रोसेस ऑफ फाइनेस्ट थिंकिंग, कि आपका जो थिंकिंग का प्रोसेस है वो कैसा है, फाइनेस्ट रीजनिंग होना, रीजनिंग परफेक्ट होना, दैट इज रेशियोसिनेशन। सो पर्लॉइंड लेटर इज फाइनेस्ट इन दैट बिकॉज इन पर्लॉइंड लेटर देर इज नो गॉथिक एलिमेंट, कोई भी हॉरर एलिमेंट नहीं होता है लाइक डेड बॉडी और मतलब ब्लड, इस तरीके के एलिमेंट्स नहीं है। स्टोरी इलस्ट्रेट्स द कंसेप्ट ऑफ इंट्यूटिव इंटेलेक्ट एट वर्क एंड सॉल्व्स अ प्रॉब्लम लॉजिकली। ये स्टोरी ये इलस्ट्रेट कर रही है कि किस तरीके से कंसेप्ट ऑफ इंटेलेक्ट अगर आपके काम में है तो आप कोई भी प्रॉब्लम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से इंटेलेक्चुअली सी ऑगस्टा ड्यूपिन ने इस प्रॉब्लम को लॉजिकली सॉल्व किया। सेवरल डिवाइसेस बोरो फ्रॉम द मर्डर्स इन द रू मॉज। कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि प्रीवियस स्टोरी थी द मर्डर्स इन द रू मॉज उससे लिए गए हैं। स्टोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एज आई टोल्ड यू कि जो स्टोरी है टू पार्ट्स में है। फर्स्ट इज मॉन्सियर जी विजिट्स टू ड्यूपिन विद अ प्रॉब्लम और वो पूरी रिसर्च करता है, फिर ड्यूपिन के बोलने के बाद दोबारा रिसर्च करता है, ड्यूपिन उससे चेक साइन कराता है और वो लेटर दे देता है। ये होता है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में ड्यूपिन एक्सप्लेन करता है कि उससे वो लेटर कैसे मिला, हाउ ही गेट्स द लेटर। वो अपने लेटर जिस तरीके से उसे मिला उसको एक्सप्लेन करता है इन दिस सेकेंड पार्ट। ही टॉक्स लिटल हैज एन एक्यूट साइकोलॉजिकल इनसाइट ऑफ ह्यूमन माइंड। जो ड्यूपिन है वो बोलता कम है बट वो काम ज्यादा करता है, साइकोलॉजिकल बहुत थिंकिंग है, वो सोचता बहुत ज्यादा, काम परफेक्टली करता है, बोलता कम है। एंड गाइज प्रीफेक्ट मॉन्सियर जी इज कंट्रास्ट टू ड्यूपिन। जो मॉन्सियर जी है वो ड्यूपिन का एकदम उल्टा है, कंट्रास्ट टू ड्यूपिन। ड्यूपिन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द केस व्हाइल प्रीफेक्ट इज होली कंसर्न्ड विद द डिटेल्स ऑफ द फिजिकल एंड एविडेंसेस। सो गाइज देखो जो मॉन्सियर जी है वो ड्यूपिन का बिल्कुल ही अपोजिट है। ड्यूपिन जो है वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स में बिलीव करता है, उसे साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में जानना था,
बट जो प्रीफेक्ट है, जो मॉन्सियर जी है, उसे सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिटेल्स चाहिए, एविडेंसेस चाहिए कि हाँ क्या क्या है। उसे साइकोलॉजिकल थिंकिंग करना ही नहीं है, उसे सिर्फ फिजिकल एविडेंसेस चाहिए। इस तरीके से ही पुलिस काम करती है। पुलिस साइकोलॉजिकल काम नहीं करती है, एविडेंसेस और फिजिकल अपियरेंसेस के बेस पर काम करती है। जी टॉक्स मोर एंड सेज लिटल व्हाइल ड्यूपिन इज वाइस वर्सा। जो जी है, मॉन्स्टर जी जो है, वो बहुत बोलता है और काम कम करता है, व्हाइल ड्यूपिन उसका बिल्कुल ही उल्टा है, बोलता कम है काम ज्यादा करता है। ड्यूपिन कंसीडर्स थिंग्स ब्रॉडली व्हाइल जी इज एक्सट्रीमली नैरो। जो सी ऑगस्टे ड्यूपिन है, वो चीजों को ब्रॉडली कंसीडर करते हैं, बड़े पैमाने पर देखते हैं, जबकि जो सी ऑगस्टे ड्यूपिन है, वो पुलिस की थिंकिंग से एक्सट्रीमली नैरो माइंडेड से रिसर्च करते हैं। एंड जी बिलीव्स इन फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, व्हाइल ड्यूपिन बिलीव्स इन मैक्सिमम थॉट्स एंड मिनिमम फिजिकल एक्सर्शन। देखो गाइस, जो मॉन्सियर जी है प्रीफेक्ट, जब वो जाता है मिनिस्टर डी के घर पर, तो वो एक एक फर्नीचर को खोल खोल कर देखता है, हर चीज को माइक्रोस्कोप से चेक करता है। मतलब वो फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा ट्रस्ट करता है, फिजिकल एक्टिविटीज में बिलीव करता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर। जबकि जो ड्यूपिन है, वो बैठे बैठे ही लेटर को ढूंढ लेता है। मतलब वो थॉट्स में बिलीव करता है और साइकोलॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करता है, मिनिमम फिजिकल एक्सर्शन। मतलब उसे फिजिकल एक्टिविटीज नहीं, साइकोलॉजिकल थिंकिंग में बिलीव है कि अगर हम कोई चीज मिस्ट्री को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो हमें फिजिकल एक्टिविटीज से ज्यादा अपने माइंड पर फोकस करना होगा, अपने थॉट्स पर फोकस करना होगा। सो गाइज, नरेटर इज द मीडिएटर बिटवीन ड्यूपिन एंड रीडर। सो गाइज देखो, जो नरेटर है, वो ड्यूपिन और रीडर के बीच में एक मीडिएटर का काम कर रहा है, बिकॉज नरेटर ही हमें सारी चीजें बता रहा है नरेट करके। एंड डिटरमाइन द साइकोलॉजी ऑफ द क्रिमिनल इज एन ऑनरेबल ट्रेडिशन इन डिटेक्टिव फिक्शन। यस गाइज, देखो जो क्रिमिनल है, उसकी साइकोलॉजी को डिटरमाइन करना, जो क्रिमिनल यहाँ पर कौन है, मिनिस्टर डी, उसकी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना इज एन ऑनरेबल ट्रेडिशन इन डिटेक्टिव फिक्शन। अगर कोई डिटेक्टिव फिक्शन है और उसमें जो डिटेक्टिव है क्रिमिनल की साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड कर लेता है, देन इट इज एन ऑनरेबल ट्रेडिशन इन दैट काइंड ऑफ फिक्शन। द पर्लॉइन लेटर फोकसेस मोर ऑन रिलेशनशिप बिटवीन पेरिस पुलिस एंड द ड्यूपिन, बिटवीन द इन इफेक्चुअल एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर एंड द सेवई प्राइवेट आई। यस गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पर्लॉइन लेटर है, ये किस चीज पर फोकस करता है, रिलेशनशिप बिटवीन पेरिस पुलिस एंड ड्यूपिन, कि ड्यूपिन और पेरिस पुलिस के रिसर्च के तरीके में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है, वो भी बताता है। देखो, जो पेरिस पुलिस होती है, वो एस्टेब्लिश ऑर्डर के तरीके से रिसर्च करती है, अपने एक पर्सपेक्टिव से रिसर्च करती है, कुछ ज्यादा साइकोलॉजिकल नहीं सोचती है। जबकि जो ड्यूपिन होता है, वो एक प्राइवेट आई होता है, उसे पता है डिटेक्ट किस तरीके से किया जाता है, इज अ परफेक्ट डिटेक्टिव, मैच्योर डिटेक्टिव। सो ये डिफरेंस यहाँ पर दिखाया गया है। एंड इट इज अ रिवेंज एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। जो ड्यूपिन है, उसके साथ मॉन्सियर जी एक बार बुरा करता है, उसी का रिवेंज वो लेता है। एंड द अजम्पशंस दैट द केस सीम्स सिंपलेस्ट मे बी द मोस्ट डिफिकल्ट टू सॉल्व। सो गाइज, जो केसेस हमें अज्यूम होते हैं कि बहुत सिंपल हैं, वही कई बार सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं सॉल्व करने। जैसे कि यहाँ पर जो प्रीफेक्ट है, उसे लग रहा था कि ये केस बहुत सिंपल है ना, बट वही उसके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था सॉल्व करना। सो समटाइम्स आर अजम्पशंस कि ये बहुत सिंपल है, वही काम करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो पर्लॉइन लेटर रिवील्स द स्टोरीज एरा। जो पर्लॉइन लेटर है, इस स्टोरी का एरा, जो टाइम है, उसके बारे में बताता है। पॉलिटिकल सिस्टम इन फ्रांस, फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम, कि मतलब जो मिनिस्टर डी है, वो किस तरीके का आदमी है। देन ड्यूपिन्स कमेंट्स अबाउट पोइट्री, मैथमेटिक्स एंड इन साइंस इन पर्टिकुलर। सो जो ये स्टोरी है, ये फ्रांस में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उसके बारे में, ड्यूपिन्स की कमेंट पोइट्री के बारे में, मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में, इन सब चीज़ों पर भी ये स्टोरी फोकस करती है। सो गाइज, दिस वॉज द एनालिसिस ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी। नाउ विल डिस्कस अबाउट द थीम्स एंड सिम्बल्स। सो हेयर आर द थीम्स, द वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट थीम इज रेशियोसिनेशन, लॉजिकल रीजनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पर किसके पास थी, सी ऑगस्टे ड्यूपिन के पास। वो लॉजिकल रीजनिंग करता है और उसके बाद इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करता है। देन पार, जो मिनिस्टर डी है, वो अपनी पार को यहाँ पर लेटर मिलते ही, मतलब अपनी पार दिखाने लग जाता है उस रॉयल लेडी के ऊपर। देन नेक्स्ट थीम इज वर्जन्स ऑफ रियालिटी। वर्जन्स ऑफ रियालिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज देखो, मिनिस्टर डी जो है, वो पहले कुछ और था, बट जैसे ही उसे लेटर मिल जाता है, उसकी रियालिटी चेंज हो जाती है। सिमिलरली मॉन्सियर जी जो है, वो जिस तरीके से रिसर्च करता है, दैट इज कि मतलब पुलिस जो है, वो किस तरीके से काम करती है। देन कनिंगनेस एंड क्लेवरनेस, मिनिस्टर डी इज ऑब्वियसली वेरी क्लेवर एंड वेरी कनिंग, किस तरीके से वो चुरा लेता है लेटर उसके ऑनर के सामने ही, और फिर 1.5 आवर तक अपनी पोजीशन में रखकर उस लेडी को ब्लैकमेल भी करता है। सो ही इज वेरी कनिंग।
देन यूजेस ऑफ लॉजिक, ऑब्वियसली यहाँ पर कौन यूज करता है, सी ऑगस्टे ड्यूपिन. इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए इस लेटर को दोबारा से ढूंढ कर जब लाते हैं, सो ड्यूपिन यूजेस लॉजिक. देन सिंबल्स, फर्स्ट सिंबल इज डार्कनेस. सो गाइज, जब ये तीनों नरेटर, ड्यूपिन एंड प्रीफेक्ट ऑफ पार्सियन पुलिस, जब ये तीनों आपस में बात करते हैं तो वो इवनिंग टाइम होता है, डार्क होता है, और ये लाइट भी ऑन नहीं करते हैं. सो डार्कनेस इज अ सिंबल. देन स्पेक्टिकल्स, उन स्पेक्टिकल्स के नीचे नीचे ही जो ड्यूपिन होता है वो सारी रिसर्च कर लेता है. सो स्पेक्टिकल इज ऑल्सो अ सिंबल जिसके अंडर वो अपने साइकोलॉजिकल माइंड को और लॉजिक को यूज करता है. सो गाइज, दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस शॉर्ट स्टोरी द पर्लॉइंड लेटर. और अगर आप लोगों को इस शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड या किसी और पोएम स्टोरी या किसी भी नॉवल से रिलेटेड कोई डाउट है, या आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर स्टोरी या नॉवल के बारे में डिस्कस करें, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, इधर ऑन माई फेसबुक पेज, एंड नाउ यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो. सो आई विल गिव द लिंक ऑफ ऑल द थ्री इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें. And do subscribe to my channel so that जब भी मैं future में video upload करूँ उसकी notification सबसे पहले आपको मिल जाए. So इसके लिए subscribe करके bell icon जरूर दबा दें. Thank you.